वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दी न्यू व्लॉग। और आज हम करने जा रहे हैं आकाश भाई के एक बढ़िया सा आर्म बैंड वाला टैटू। तो आज करेंगे हम आकाश भाई के यहाँ पर टैटू। स्टेंसिल हो गया तैयार, नीडल्स निकल गई हैं। नीडल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं यूज करने वाला हूँ 9RL और 7RS, फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांडिंग डायनेमिक। बनाएंगे आर्म बैंड, दिखाएंगे आपको एक खतरनाक वाला बढ़िया सा आर्म बैंड वाला पीस। कमेंट बॉक्स में बताना, बने रहना और कमेंट जरूर करना और बताना कैसा लगेगा आपको ये आर्म बैंड। और बने रहना आखिर तक इस ब्लॉग में, क्योंकि आज जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, बहुत ही प्यारा वाला पीस। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने कर दिया सर का स्टेंसिल पेस्ट। ये देखो आप, पीछे कस्टम किया है, एक शिव लिखा है। और फटाफट से इस पीस को बनाते हैं और आपको एक बढ़िया सा पीस दिखाते हैं जिसमें कि आपको मजा आने वाला है आज। सो फाइनली फ्रेंड्स, 1.5 से 2 घंटे लग गए आर्म बैंड बनाने में आकाश भाई के, और थोड़े से कलर पिगमेंट्स भी डाले हैं, दिखाता हूँ आपको। देखो, चेक करो, बताओ ये वाला रिलीजियस आर्म बैंड कैसा लगा आपको। प्लीज 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 जरूर से कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा आपको। लाइक शेयर कमेंट ब्लॉग्स में चलता रहेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ऐसे ही प्यार देते रहना ब्लॉग्स में। आपका प्यार, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। चेक करो ये वाला आर्म बैंड और बताओ कैसा लगा। तो ये वाला आर्म बैंड हमने बनाया था, और ये पीछे भी हमने देखो शिव लिखा है इसमें, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है सर को। तो ये पूरा आर्म बैंड कंप्लीट किया है। तो आकाश भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। ज्यादा पेन वेन तो नहीं हुआ? नहीं, पेन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेरी गुड। सो फाइनली सर, ये वाला गाइस, ये वाला टैटू बनाया। प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना, और नेक्स्ट टैटू भी बनाता रहूंगा मैं, और नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छा सा मास्टरपीस लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।